राजधानी व्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज, राजधानी व्यू। इटारसी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा नर्मदापुरम संभाग के इटारसी में 19 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किए गए 140 पुलिस आवास गृहों के लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा सरकार के लिए प्रमुख है और इसीलिए इटारसी रेलवे स्टेशन के साथ ही सभी प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। समारोह में विधायक व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीताशरण शर्मा, श्री विजयपाल सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री कुशल पटेल, श्री दर्शन सिंह चौधरी, श्री पीयूष शर्मा, एडीजी श्री अशोक अवस्थी, आईजी श्रीमती दीपिका सूरी, एसपी रेल हितेश चौधरी सहित अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद थे। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने इटारसी में पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के लिए सर्व सुविधायुक्त 120 आवास गृह जीआरपी 20 जीओएस आवास एवं कम्युनिटी हॉल थाना का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि भोपाल एवं इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है। पुलिस, जेल एवं होमगार्ड के जवानों को बेहतर व्यवस्था प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार कृतसंकल्पित है। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि पुलिस के कोरोना योद्धाओं के प्रति सम्मान, उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने के साथ ही पुलिस आवास निर्माण कार्य में गति दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस एवं जेल के कर्मचारियों की क्रमोन्नति की गई है। जल्द होमगार्ड के जवानों को भी क्रमोन्नति देने के लिए प्रस्ताव शीघ्र स्वीकृत किया जाएगा। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि हम वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के अनुसार सबके कल्याण की कामना करते हुए कार्य करते हैं। कोरोना महामारी के उस दौर में जब मानवता भी संकट में नजर आ रही थी, तब सर्दी, गर्मी और बारिश की परवाह किए बगैर पुलिस के जवानों ने स्वयं के प्राणों को संकट में डालकर भी मानवता की सेवा की। पुलिस ने अपने कर्तव्य निष्ठा और सेवापरायणता से विभाग की छवि को निखारा है। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि कोरोना की पहली लहर में भ्रम और दूसरी में भय व्याप्त था, किंतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में नागरिकों को मिली कोविड टीकाकरण की सुरक्षा ने देश को कोरोना की तीसरी लहर से प्रभावित नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जेहादी सोच, सिमी के नेटवर्क, नक्सलाइट समस्या एवं माफियाओं का उन्मूलन कर मध्य प्रदेश शांति का टापू बनकर उभरा है। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने रेस्ट हाउस इटारसी के पास संत गाडगे जी महाराज की जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर आयुक्त निशक्चन एवं कल्याण श्री संदीप रजक उपस्थित रहे। और वो पूरा बेल्ट यूपी के किनारे का अगर चले आओगे तो ददुआ और ठोकुआ जैसे विंध्य तक गैंग थे। ये उस समय हमें विरासत में मिली थी, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था दिग्विजय सिंह छोड़ के गए थे। दिग्विजय सिंह के मंत्री परिवहन के लखीराम कांगड़े की बालाघाट में घर में घुस के नक्सलों ने हत्या कर दी थी। नक्सल समस्या हमें मिली थी। मालवा अंचल में सिमी का नेटवर्क हमें मिला था विरासत में। झिरनिया के जंगलों में आप देखेंगे कि कुआं में भरे हुए हथियार मिले थे। आज न तो एक भी चिन्हित गैंग मध्य प्रदेश के अंदर है, आज न नक्सलाइट गतिविधियां हमने बढ़ने दी। 84 लाख रुपए के नक्सली पिछले 2 साल में या तो मार दिए या सरेंडर करके चले गए मध्य प्रदेश के अंदर। ये हमने मध्य प्रदेश की स्थिति पैदा की। आज सिमी का नेटवर्क ध्वस्त है। कठोर से विक्रांत श्रीवास्तव की रिपोर्ट।